बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम इस वीडियो में एडजेक्टिव और एडवर्ब के दरमियान डिफरेंस सीखेंगे एग्जांपल्स की मदद से। सबसे पहले अगर हम उनकी डेफिनेशन की बात करें तो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो कि हमें नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताता है। वो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, उसके बारे में अगर कोई वर्ड हमें कुछ एक्स्ट्रा बताए तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। अब अगर हम एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो इस्तेमाल किया जाता है वर्ड्स को चेंज करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए। उन वर्ड्स में कौन कौन से वर्ड्स आ जाते हैं? एडजेक्टिव हो सकता है, वर्ब हो सकता है, क्लास हो सकता है, या कोई और एडवर्ब या कोई और वर्ड भी हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें एडजेक्टिव और एडवर्ब की सिंपल वर्डिंग में, तो एडजेक्टिव क्वालिटी बताता है नाउन की या प्रोनाउन की, और एडवर्ब की बात करें तो क्वालिटी बताता है किसी वर्ब की, एडजेक्टिव की या किसी और एडवर्ब। अब एग्जांपल से सीखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। एक हमारे पास एग्जांपल है कि देयर इज मच मिल्क इन दी जग। अब यहाँ पर हमें फील हो रहा है कि जो मच है वो एडजेक्टिव हो सकता है या एडवर्ब हो सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें इस तरीके से पता चलेगा कि ये जो मच है ये किस चीज की क्वालिटी बता रहे हैं। ये मिल्क की क्वालिटी बता रहे हैं कि ये मच मिल्क है। और हमें यहाँ पर देखना होगा कि मिल्क क्या है। मिल्क खुद नाउन है, इसीलिए ये जो मच है वो एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल है देयर इज मच बेटर नाउ। अब यहाँ पर हमें लग रहा है कि मच जो है या तो एडजेक्टिव हो सकता है या तो एडवर्ब हो सकता है, पर ये हमें किस चीज की क्वालिटी बता रहा है? ये बेटर की क्वालिटी बता रहा है, और बेटर खुद क्या है? बेटर खुद एडजेक्टिव है, तो इसीलिए मच एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट इज अ हार्ड सब्सटेंस। अब यहाँ पर हमें फील हो रहा है कि हार्ड जो है या तो एडजेक्टिव हो सकता है या एडवर्ब हो सकता है, पर वो किस चीज की क्वालिटी बता रहे हैं? वो सब्सटेंस की क्वालिटी बता रहे हैं। वो बता रहा है कि हार्ड सब्सटेंस है, और सब्सटेंस खुद बजाते एक नाउन है, तो इसीलिए हार्ड जो है वो एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही वर्क्ड हार्ड। अब यहाँ पर जो हार्ड है वो एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है? वो वर्क्ड हार्ड बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पर वर्क को देखना होगा। वर्क्ड खुद बजाते एक वर्ब है, तो इसीलिए उसके साथ जो हार्ड लगा हुआ है वो एडवर्ब होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हर्ड अ लाउड नॉइस। अब यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि लाउड या तो एडजेक्टिव हो सकता है या एडवर्ब हो सकता है, और वो किस चीज की क्वालिटी बता रहे हैं? वो नॉइस की क्वालिटी बता रहे हैं। तो नॉइस बजाते खुद नाउन है, तो इसीलिए यहाँ पर लाउड एडजेक्टिव हो गया। दूसरे एग्जाम्पल में है ही स्पीक्स वेरी लाउड। यहाँ पर जो लाउड है वो एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इसके साथ जो वेरी लगा हुआ है वो बजाते खुद एक एडवर्ब है, इसीलिए लाउड भी एडवर्ब हो गया। उसके बाद एक एग्जाम्पल है ही इज अ फास्ट राइटर। अब हम अगर यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें तो हमें मालूम पड़ता है कि फास्ट जो है या तो एडजेक्टिव हो सकता है या एडवर्ब हो सकता है, पर वो किस चीज की क्वालिटी बता रहे? वो राइटर की क्वालिटी बता रहे कि राइटर फास्ट है, तो हमें देखना होगा कि राइटर क्या है। राइटर खुद नाउन है, इसीलिए फास्ट जो हो गया वो एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही रन्स फास्टर। अब यहाँ पर जो है फास्टर ये क्या हो सकता है? अब ये किस चीज की क्वालिटी बता रहे हैं? ये रन्स की क्वालिटी बता रहे हैं, और रन्स खुद क्या है? रन्स खुद वर्ब है, तो इसीलिए फास्टर एडवर्ब हो गया। उम्मीद है कि आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब का डिफरेंस मालूम हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और इसके रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।